हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है चौधरी सोनी का ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी। पनीर और मटर पनीर मिक्स करके बनाएंगे। तो ये मैंने 350 ग्राम पनीर अभी लिया है, ताज़ा पनीर है, और मैंने मटर को अच्छे से उबाल लिया है, क्योंकि हमारे घर की मटर थी तो उसको मैंने उबाल लिया। रात को मैंने उसको भिगो कर रख दिया था। और ये यहाँ पर मैंने लहसुन और प्याज को पीस लिया है अच्छे से। टमाटर मैं नहीं डालने वाली हूँ, बिना टमाटर के आज हम इसको बना के दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पनीर को हम काट लेंगे, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा बारीक, मीडियम साइज में ही उसको काटेंगे पनीर को। ये देखिए दोस्तों, तो मैंने इस तरह से पनीर को काट लूँगी, ज़्यादा मोटा भी नहीं काटूँगी, ज़्यादा छोटा भी नहीं काटूँगी। हम ऐसे काट लेंगे पनीर को। देखिए हमारा पनीर कटने वाला है। अब हमारा ये पनीर कट गया है पूरा का पूरा। देखिए मैंने इस तरह से काट लिया है, और अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, गैस पर बनाऊँगी, क्योंकि चूल्हे पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो रसोई में बनाऊँगी। तो चलो शुरू करते हैं फिर पनीर को बनाना। ये हमने कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। ये देखिए कढ़ाई में बनाएंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, मैंने मटर को उबाल लिया है ये, और ये हमारी मटर अच्छे से पक गई है। ये देखिए, और ये हमारी घर की मटर है जो मैंने उबाल ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दिया था। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई में ऑयल को डाल दिया है, अब ये गर्म होने वाला है। ये मैंने लिया है जीरा छोटा चम्मच, और ये है लौंग, काली मिर्च, और ये खड़े मसाले हमारे, और ये तेज़पत्ता लिया है मैंने, 3 से 4 तेज़पत्ता लिया है। सबसे पहले हम इसमें तेज़पत्ता डालेंगे, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, ये मैं डाल दिए हैं। ये हमारा भुन रहा है तेज़पत्ता, जो अच्छे से भुन जाएगा। जीरा और ये खड़े मसाले, इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा जीरा अच्छे से भून गया है, और अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन और प्याज जो हमने पीसा था। भूनेंगे ताकि ये गुलाबी रंग की ना हो जाए हमारा प्याज। भूनने के लिए छोड़ देंगे इसको। इसलिए हमारा प्याज भुन रहा है, उसके लिए हम मसाले निकाल लेंगे। धनिया पाउडर लिया है मैंने, ये धनिया पाउडर भी हमारा घर का है, 2 चम्मच लिया है मैंने इसको। ये हमारे घर के मसाले हैं, क्योंकि हम ले लेते हैं। और ये मैंने लिया है हल्दी छोटा 1 चम्मच हल्दी लिया है मैंने, और ये 1 छोटा चम्मच भर के मैंने मिर्च पाउडर लिया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो मैंने ये लिया है। ये सारे मसाले हमारे घर के हैं। मिर्च को मैंने ले लिया था बाजार से, और उसको सुखा कर पिसवा लिया था। हल्दी को भी मैंने ऐसे लिया था। इन जो घर के मसाले होते हैं, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखिए हमारा ये रहा यहाँ पर, देखिए इसका ना कलर अब चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले को ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा पकने के लिए पानी, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अभी भुन रहा है, और ये जब भुन जाएगा तो ये ऑयल को छोड़ देगा। देखिए ये भुनने लगा है, ये ऑयल दिखाई देने लगा है हमारा। थोड़ी देर उसको और पकाएंगे अभी हम।
अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पर ये मटर निकाल कर रख लिया है, पहले मैं इसको मैं मटर डालूंगी। दोस्तों मैंने ये बड़ा चम्मच आधा चम्मच नमक को लिया है, इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार, आप इसमें डाल सकते हैं नमक को। देखिए दोस्तों ये हमारा मसाला पूरी तरीके से भून चुका है, अब कितना अच्छा रंग आया है इस मसाले का। और अब हम इसमें डाल देंगे मटर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे मसाला। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। और अब हम इसको पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो हमने पानी डाल दिया है। और अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, हल्के आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको एक बर्तन से ढक देंगे। इतने हमारा मटर पक रही है, इतने हम आटा निकाल लेंगे रोटी के लिए और इसको गूंथ लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो मटर है वो अब अच्छे से पक गया है, और ये देखिए कितना अच्छा रंग है हमारी सब्जी का। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर को। अब इसको अच्छे से हम ऐसे हल्के हल्के मिक्स कर देंगे ये देखिए, और इसको 5 मिनट तक हल्की आंच पर थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि पनीर में जो मसाला है वो अच्छे से चला जाए। ढक के रख देंगे इसको बर्तन से, और 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हल्की आंच पर। तो दोस्तों ये देखिए हमने पकने के लिए छोड़ा था, जो कि हमारा पक चुका है पनीर, और इसका रंग देखिए कितना अच्छा आया है। ये पनीर के अंदर भी हमारा मसाला घुस गया है। अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से क्रीम को भी डाल सकते हैं, क्रीम डालने से बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास है नहीं तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। और ये हमारा पनीर बनकर तैयार है, और मैं गैस को बंद कर दूंगी और बनाती हूँ अब रोटियाँ। दोस्तों फाइनली हमारा खाना बनकर तैयार है, और ये है मेरी रोटियाँ, ये देखिए रोटियाँ बनकर तैयार हैं गर्मा गर्म, देखिए रखूँगी। और ये है हमारी पनीर की सब्जी, और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी सब्जी। और कुकर में बनाए हैं मैंने चावल, ये देखिए दोस्तों हमारे चावल बनकर तैयार है। चलो फिर खाते हैं जल्दी से, काट दें। तो फाइनली अब मैंने बच्चों के लिए खाना लगा दिया है, बच्चे बहुत देर से बैठे हैं भूखे खाने के लिए, और आज पनीर की सब्जी बनी है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, तो चलो मैं दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं खाना खाने के लिए, यहाँ पर ये आयुष है, और ये थालियाँ बनकर तैयार हैं बच्चों के लिए। ये पनीर की सब्जी है, ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है हमारी पनीर की सब्जी। और ये नींबू है,
चावल हैं, रोटी है, प्याज है। तो आयुष यहाँ पर खाकर बताएगा कैसी बनी है सब्जी, कैसी बनी है। अच्छी है सब्जी, तो बहुत अच्छी बनी है और बहुत टेस्टी भी लग रही है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर बैठा है छोटू, ये छोटू की थाली है, छोटू भी अब खाएगा। तो छोटू यहाँ पर खा रहा है खाना, खाओ। कैसी बनी है पनीर की सब्जी, तो बहुत ज्यादा मस्त है भाई। तो ये बच्चे खा रहे हैं खाना, ये देखिए उत्कर्ष। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं तो खाने के लिए नहीं सकता भाई, आप भी बना लेना।